नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफ को गुंटूर की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन की लिस्ट जारी की गई है, तो उसी हायर पेंशन की लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ऑफिस गुंटूर की तरफ से ये जो लिस्ट है वो 23 अक्टूबर 2020 को एक आरटीआई के माध्यम से जो सवाल पूछा गया था, तो उसके जवाब में जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो जी दोस्तों, ये जो डिटेल लिस्ट है तो अभी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप जो है वो इस लिस्ट में आपका नाम जो है वो हायर पेंशन में हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसे जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ गुंटूर की तरफ से आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में ये जो डिटेल लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो उनके एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर यहाँ पर रिवाइज की गई है और ये जो लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो जय दोस्तों, इस लिस्ट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। साथ में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है वो किस तरह से इस लिस्ट को जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए ये जो डिटेल लिस्ट है तो इसके बारे में जानते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में आपसे संबंधित जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ गुंटूर की तरफ से ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर लगभग जो एक हायर पेंशन है वो 21,149 रुपए की दी गई है। तो ऐसे ही यहाँ पर बाकी जो पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर कॉन्ट्रीब्यूशन लेके जो है वो रिवाइज करके जो है वो ये लिस्ट जो है वो यहाँ पर अभी तक की जारी की गई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो आरटीआई का एप्लीकेशन है, तो उस आरटीआई के एप्लीकेशन के माध्यम से ईपीएफओ गुंटूर द्वारा ये जो रिवाइज हायर पेंशन की लिस्ट है तो वो यहाँ पर जारी की गई है। तो ईपीएफओ गुंटूर द्वारा ये जो रिवाइज हायर पेंशन की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम इस वीडियो में जानकारी ले रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिस्ट यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन के संदर्भ में जारी की गई है, जिसमें जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो उनके नाम दिए हुए, उसके बाद उनका ईपीएस अकाउंट नंबर दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट रिमिटेड बाय पेंशनर्स तो ये यहाँ पर दी हुई है, उसके बाद ओल्ड पेंशन कितनी थी और उसके बाद उनको यहाँ पर नई पेंशन रिवाइज करने के बाद कितनी हुई है तो वो यहाँ पर दी हुई है, पेंशन एरियर कितने पेड किए जाते हैं पेंशनर्स को तो वो भी यहाँ पर जो है वो दी हुई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर 6 है, तो ये जो ईपीएस मेंबर है पी के रेड्डी, उनकी यहाँ पर जो रिवाइज पेंशन है तो वो 21,149 रुपये जो है वो यहाँ पर की गई है। उनकी तरफ से जो अमाउंट यहाँ पर ईपीएफओ को रिमिट की गई है तो वो है 16,79,744 रुपये, और उनको यहाँ पर जो एरियर मिला है तो वो है 20,65,232 रुपये, और उनको जो महीने की पेंशन अभी सैंक्शन हुई है तो वो है 21,149 रुपये। इसी तरह से बाकी जो पेंशन धारक है तो वो यहाँ पर जो इसी तरह से जो बाकी पेंशन धारक है तो उनकी भी यहाँ पर जो पुरानी पेंशन है और जो रिवाइज पेंशन है तो वो यहाँ पर दी हुई है, जिसमें से बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनकी पेंशन को जो है वो यहाँ पर 10,000 रुपये तक जो है वो बढ़ाया गया है, कुछ पेंशन धारकों को 14,000, कुछ पेंशन धारकों को 7,187, ऐसे ये जो पेंशन के आंकड़े हैं तो वो यहाँ पर रिवाइज करने के बाद इस लिस्ट में दिए हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि लगभग ये जो लिस्ट यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा जारी की गई है, तो इसमें लगभग 900 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है। तो जय दोस्तों, ईपीएफओ गुंटूर द्वारा हाल ही में ये जो हायर पेंशन की लिस्ट एक आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के अगेंस्ट में दी गई थी, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो लिस्ट ईपीएफओ गुंटूर द्वारा यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 923 पेंशन धारक है जिनकी पेंशन को यहाँ पर ईपीएफओ गुंटूर द्वारा उनकी एक्चुअल
सैलरी के बेसिस पर कंट्रीब्यूशन लेकर जो है वो रिवाइज की गई है, जिसमें से काफी ऐसे पेंशन धारक है उनकी पेंशन को यहाँ पर जो है वो सम्मानजनक आंकड़ा जो है वो मिल पाया है। ऐसे में यहाँ पर जो भी पेंशन धारक ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत आते हैं तो वो इस लिस्ट में जो है अपना नाम देख सकते हैं कि उनकी पेंशन को ईपीएफओ द्वारा रिवाइज किया गया है या नहीं किया गया है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपकी पेंशन को जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर दिया गया है, ऐसा जो है वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की हायर पेंशन की लिस्ट जारी की गई है तो इसमें जो है वो जिन पेंशन धारकों ने उनकी एक्चुअल सैलरी के बेसिस पर ईपीएफओ में इम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है वो दिया है तो उनकी पेंशन को यहाँ पर जो है वो ईपीएफओ द्वारा रिवाइज करके ये जो रिवाइज पेंशन की लिस्ट है तो वो जारी की गई है। तो इस लिस्ट में यहाँ पर जो पेंशन धारक है तो उनके अकाउंट नंबर दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर ईपीएफओ को ये जो पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में कितनी अमाउंट देनी पड़ती है तो उसके बारे में जानकारी दी हुई है, उसके बाद उनको ये जो अमाउंट रिमिट करने से पहले कितनी पेंशन मिलती थी तो उसकी जानकारी दी हुई है, यहाँ पर रिवाइज करने के बाद कितनी पेंशन यहाँ पर हायर पेंशन के रूप में सैंक्शन की गई है तो वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर पेंशन को रिवाइज करने के बाद पेंशन धारकों के अब तक के जो एरियर बनते हैं तो वो कितने बनते हैं तो वो भी यहाँ पर डिटेल दिए हुए। तो बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको 10 लाख रुपए के ज्यादा जो है वो एरियर यहाँ पर दिए गए हैं, ऐसी जानकारी इस लिस्ट से जो है वो निकल कर आई है। तो जय दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एम सत्य प्रकाश है तो उनको भी 10,18,371 रुपए का जो एरियर है तो वो पेंशन का मिला है, उसके बाद यहाँ पर पीपी विवेकानंद राव जी को भी यहाँ पर लगभग 18,82,475 रुपए का जो एरियर है तो वो ईपीएफओ गुंटूर द्वारा पेंशन की रिवाइज करने के बाद जो है वो यहाँ पर पे किया गया है। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पेंशन धारक है तो उनके नाम जो है वो यहाँ पर दिए हुए है जिनकी पेंशन को ईपीएफओ गुंटूर द्वारा रिवाइज किया गया है। तो यह दोस्तों, इस लिस्ट में आप आपका जो डिटेल नाम है तो वो इस लिस्ट को जो है वो देख कर जो है आप देख सकते हैं। तो यह दोस्तों, इस लिस्ट का जो लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वो ये डिटेल लिस्ट जो है वो ओपन करके अपना नाम जो है वो इस पे देख सकते हैं। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ईपीएफओ गुंटूर के जो पेंशन धारक है तो उनकी पेंशन की ये जो रिवाइज पेंशन लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है तो उसी पेंशन रिवाइज लिस्ट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।